मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारा में दर्शन के उपरांत लगभग 1396 करोड़ रुपए की लागत से कुल 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 13,387.48 लाख की परियोजना का लोकार्पण एवं 575.45 लाख की परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस उम्र में लोग अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता करते हैं, उस उम्र में शहीद ऊधम सिंह ने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव ने मानवता के कल्याण के लिए धरती पर अवतरण लिया था और वर्तमान वर्ष गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हाल ही में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री ने के लखनऊ स्थित सरकारी आवास में किया गया था। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में गुरु नानक देव से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गोरखपुर विकास के नित नए आयामों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर को चारों ओर से 4-लेन कनेक्टिविटी एवं एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। पर्यटन के माध्यम से हमारी सरकार आने वाली पीढ़ियों को रोजगार और अतीत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, इसमें शहर के टाउन हॉल के सामने कलेक्ट्रेट परिसर में आम जन के बैठने के लिए दक्षिणी और पश्चिमी प्रवेश द्वार के निकट पार्क, फव्वारा एवं पार्क में बैठने के लिए सीसी पेडेस्टल बेंच आदि का निर्माण, नगर निगम सीमा के अंतर्गत गोरखपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक सड़क का 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण, गन्ना शोध संस्थान के पास नंदानगर अंडरपास का निर्माण, गोरखपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल अवस्थापना का विकास, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर में 60 सीटेड छात्रावास का निर्माण, जनपद में 200 व्यक्तियों की क्षमता के बैरक का निर्माण कार्य, साथ ही जिला सूचना कार्यालय भवन सूचना संकुल का निर्माण कार्य, मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारा स्थल का सौंदर्यीकरण, जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा स्थल का सौंदर्यीकरण शामिल है। गुरुद्वारा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल ने भी संबोधित किया। मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारे में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, शहर के मेयर सीताराम जायसवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह एवं बीजेपी कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माल्यार्पण कार्यक्रम में सरदार देवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, सरदार जसपाल सिंह जी अध्यक्ष गुरुद्वारा जटाशंकर महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। सदस्य पंजाबी सेवा समिति एवं व्यापार सिंह कोहली की ओर से योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, आप अच्छी तरह जानते हैं जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, इस गोरखपुर और आसपास के अंदर जितने भी शहीद स्थल हैं, चाहे वो जेल की सिकड़ियों में बंद राम प्रसाद मिश्र जी का शहीद स्थल रहा हो, चाहे वो बंधु सिंह का
शहादत स्तर रहा हो, चाहे वो डोहरिया का शहादत स्तर रहा हो, श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर इन शहीद स्थलों के लिए शासन का धन करके हम सबको शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा का भाव, उनसे प्रेरणा लेकर अपनी सोच को हम बदल सकें, इसके लिए हमें संदेश दिया है। इस मंच से हम उनके प्रति आधिक कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर पीठाधीश्वर है और स्वाभाविक रूप से गोरखपुर और उसके आसपास के अंदर कितने भी धार्मिक प्रतीक स्थल है, चाहे वो आपका मोहद्दीपुर का गुरुद्वारा हो, चाहे वो जटाशंकर का गुरुद्वारा हो जहाँ स्वयं गुरु नानक देव जी पधारे थे, चाहे वो मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर हो, चाहे वो राम सरोवर का मंदिर हो, चाहे वो रामलीला का मैदान हो, चाहे वो रामलीला का मैदान राजघाट का हो, चाहे वो भौवा पार का शिव मंदिर हो, आस पास में जितने भी, चाहे वो तरकुलहा का स्थल हो, आपने सभी स्थानों के लिए शासन से धन दे करके उन्हें एक नए स्वरूप में समाज के सामने लाने का काम किया है। एक नगर विधायक के रूप में इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश में गोरखपुर की चर्चेस के सौंदीकरण के लिए, गोरखपुर के इमामबाड़े के सौंदीकरण के लिए योजना स्वीकृत हुई है और मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप जो माननीय मोदी जी के बताए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांतों पर काम करने वाले एक जमीनी राजनेता है, महाराज जी ने धन दिया है गोरखपुर का, कोई भी मंदिर या रामलीला मैदान हो महाराज जी की दूरदृष्टि से वो बच नहीं सकता, सबका एक एक करके सौंदर्यकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने समाज के गोरखपुर के हित के लिए, आप लोग देख रहे हैं कि जिस भी रोड पर निकलेंगे बीकानेर सब और जितने भी यहाँ पर रामलीला मैदान है उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसके लिए गोरखपुर की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आभारी रहे। सिख समाज आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी है, आज भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश में कोने कोने में सिख समाज का सम्मान करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करेगी और कर रही है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हम गोरखपुर की जनता की तरफ से महाराज जी को घोड़े घोड़ी प्रसन्नता करते हुए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जय जय योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की। उदयपुर के गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, दीपक कक्कड़ जी, संरक्षक गोपाल मंदिर श्री जगदीश आनंद जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, सिख समुदाय पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए सभी, अंदर आपको लगा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव वर्ष है, वही आज की तिथि का लगाओगे। पहले यहाँ पर पंजाबी समुदाय और सिख समुदाय से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है कि जब मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के लिए भी, जटाशंकर गुरुद्वारा के लिए भी और गोरखपुर महानगर के विकास के लिए भी हम लोग कुछ योजनाओं को गोरखपुर वासियों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को दे पाने की स्थिति में आ पाए हैं। आप सबका जो समर्थन और सहयोग रहा है ये हम सबका सबसे बड़ा संबल रहा है और संबल की बदौलत ही आज विकास
की योजनाओं को वास्तविक धरातल पर पहुंचाने में हम सबको मदद मिलती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर विकास के एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज गोरखपुर में एम्स है, आज गोरखपुर में लगभग 28 वर्ष पहले जो खाद का कारखाना बंद हो गया था वह खाद का कारखाना फिर से चलने की स्थिति में है। आज गोरखपुर में विभिन्न प्रकार के वे गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं जो न केवल गोरखपुर के विकास के लिए अपितु यहाँ के नौजवानों के लिए विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वह इलेक्ट्रिक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सड़क की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का रहा हो या फिर वायु सेवा की कनेक्टिविटी को देश के विभिन्न शहरों से जोड़ने का रहा हो राम। और ये वर्ष तो वैसे भी हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली वर्ष है। गुरु नानक देव जी ने आज से 550 वर्ष पहले इस धराधाम पर मानवता की मुक्ति के लिए अपना अवतरण किया था और उन्होंने जो संदेश उस समय के समाज के लिए दिया था वह संदेश इस देश के अंदर मध्यकाल के उस कालखंड में समाज को एक नई दिशा देने और समाज के सामने आने वाली चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए भी हम सबको विगत 500 वर्षों में गुरु नानक देव जी के संदेश ने एक प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबको प्रदान किया था। आज एक कारण है पूरे देश के अंदर गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष को प्रकाशोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक कॉरिडोर का निर्माण भी ननकाना साहिब तक जाने के लिए जिस प्रकार से प्रारंभ किया है और एक व्यवस्था दी है कि वहां पर बिना किसी शुल्क के वहां पर हम लोग आ जा सकें, अपनी आस्था को व्यक्त कर सकें, क्योंकि सिख गुरुओं का योगदान भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व रहा है, अविस्मरणीय रहा है। और इन सब की स्मृति में ही उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए हम सब जब भी सिख गुरुओं के से जुड़ी हुई कोई तिथि आती है हर एक भारतवासी पूरे गर्व के साथ पूरे सम्मान के साथ इन आयोजनों में सहभागी बनकर के इन आयोजनों को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। और यह 550वें वर्ष पर जो घोषणाएं आज यहाँ पर हम लोग गुरुद्वारा यहाँ पर मोतीपुर के लिए यहाँ पर आज कर रहे हैं, इसमें पर्यटन विकास के अंतर्गत उन्होंने 1,76,13,000 रुपए की धनराशि इस कार्य के लिए स्वीकृत की है, जिसमें 88,06,000 रुपए की पहली राशि इस कार्य के लिए गोरखपुर जल निगम को पहले अवमुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही साथ जटाशंकर गुरुद्वारा में भी पर्यटन विकास के अंतर्गत 3 फेज्ड मेन गेट पैसेंजर लिफ्ट का निर्माण, सिटिंग बेंचेज विद फैब्रिक कैनोपी, 30 KVA पावर प्लांट, हाई मास टूरिस्ट सेंटर का जीर्णोद्धार और भी जो अन्य कार्य होंगे वे सभी कार्य इसमें करेंगे। और इसके लिए पहले चरण में हम लोगों ने 94,32,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और इस राशि में से भी 47,16,000 की राशि पहले ही अमुक्त की जा चुकी है। गोरखपुर में अन्य विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाने की एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। हमारा ये मानना है कि टूरिस्ट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रोजगार के लिए भी और अपनी विरासत को संरक्षित करने के क्रम में आने वाली पीढ़ी को
अपने अतीत के साथ जोड़ने के रिश्ते भी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, जहां हम लोग इन दोनों गुरुद्वारों के सुंदरीकरण की योजना के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, वहीं साथ ही साथ मीडिया से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने जिला सूचना कार्यालय और सूचना संकुल के निर्माण के लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की है, और साथ साथ तमाम अन्य ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास एक नई ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। उन योजनाओं को भी आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारों के सुंदरीकरण की जिस कार्य योजना को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर लिया है, भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, और ये कार्यक्रम एक निश्चित अवधि तक निरंतर चलते रहेंगे। हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है, और मेरा प्रयास है, मैंने इस बारे में स्पष्ट कहा है, पंजाबी एकेडमी को भी, सिख संगत को भी, और समाज से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और सूचना विभाग को, कि गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में हो, उन सबको चिन्हित करके उनके पुनरुद्धार और उनके सुंदरीकरण के विस्तृत कार्य योजना आगे बढ़नी चाहिए, जिससे हम अपने इस गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर सके, क्योंकि ये परंपरा केवल सिख समाज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये सर्व समाज की परंपरा है, और सर्व समाज को इसके साथ जुड़ना चाहिए और उसको जुड़ाव के दृष्टि से, क्योंकि सिख गुरुओं की परंपरा ने जो त्याग और बलिदान की परंपरा इस देश के अंदर रखी, वह केवल सिखों के लिए नहीं रखी, इस देश और इस धर्म की रक्षा के लिए रखी थी, और इसीलिए ये अवसर हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान करता है, कि जिन सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भी देश और धर्म की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की थी, और सिख गुरुओं के प्रति सर्वोच्च सम्मान देते हुए हम इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भागीदार बने, और इन सुंदरीकरण की कार्य योजना को, विकास की इन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में अगर हमें मदद मिलती है तो हमें इसके लिए सहस पूरा योगदान देना चाहिए, और मैं गोरखपुर और प्रदेश के सिख समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार ने वैसे भी 1984 के सिख दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन कर दिया है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आएंगे जिनको पिछली सरकारें छुपाने का प्रयास कर रही थी, जो करेगी आज एक बार पुनः इस सिख गुरुओं की परंपरा का एक परिणाम है कि देश ने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी दिए, जिन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करने में कोई संकोच नहीं किया, और मुझे लगता है कि क्रांतिकारियों की इसी परंपरा में सही उधम सिंह भी आते हैं। एक छोटी सी उम्र में देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब व्यक्ति अपनी रोजी रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए जीता है, उन स्थितियों में देश की स्वाधीनता के लिए एक युवक अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, एक बहुत बड़ा त्याग है देश के लिए, देश और धर्म के लिए। आज यह अवसर, पुण्य अवसर हम सबको प्राप्त हुआ कि हम इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी बंधुओं को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता के इन सभी महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि 550वां प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम पूरे भव्यता के साथ, पूरे दिव्यता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरा समाज मना करके
गुरु परंपरा के प्रति अपना श्रद्धा का भाव व्यक्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।